बैंक के पास जाते हो और आप बैंक से बोलते हो कि मेरे को 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए, या किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो कि मुझे 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, वो आपसे पूछता है क्यों 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 चाहिए आपको। उस क्यों का यदि जवाब जितना सॉलिड आपके पास होगा, उतनी ही फंडिंग के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जितना जेन्युइन होगा, स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा, उतनी फंडिंग आपको मिलने के चांसेस हैं, यस और नो। और यदि आपके आंसर वेग होंगे, बस चाहिए ताकि 100 करोड़ मिल जाए, फिर आराम कर सकूं, शांति से रह सकूं, जीवन का मजा ले सकूं, आपको नहीं मिला, बैंक ने, किसी ने आपको या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको फंडिंग नहीं की, आपके फादर भी बिलियनेयर हैं, उनके पास भी 1000 करोड़ पड़े हैं, 100 करोड़ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें तो उनकी किसी फाइनेंशियल कंडीशन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप सोचते हो चलो बैंक छोड़ो, इनको तो 100 फॉर्मेलिटीज मांगते हैं, 100 सवाल जवाब करते हैं, अपने पिताजी से ही बात कर लेते हैं। अब पिताजी के पास जाकर के आप बोलते हो, यू गो एंड आस्क योर फादर, आई नीड 100 करोड़, मुझे 100 करोड़ चाहिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फादर, तो क्या उनको आपसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए ना, क्यों चाहिए। और यदि ऐसे ही दे देते हैं, आपने बोला चाहिए और उन्होंने आपको दे दिया, तो मेरे ख्याल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होगी। या आप एज ए फादर, आपसे आपका बेटा बोलता है 100 करोड़ चाहिए और आपके पास पैसे का कोई इशू नहीं है और आपने दे दिया विदाउट नोइंग कि किस लिए चाहिए, तो उस पैसे का यूज होगा या मिसयूज होगा, चांसेस क्या हैं। आपने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, उसने पूछा, आपने दिए। जैसे बहुत पेरेंट्स देते हैं सुबह से शाम तक, हर दिन देते हैं, वो बोलते हैं वो आप देते हो विदाउट आस्किंग अ क्वेश्चन इवन, क्यों किस लिए। उस पैसे के यूज के चांसेस ज्यादा है या मिसयूज के चांसेस ज्यादा है, लिखिएगा अपना आंसर, मिसयूज के ज्यादा है। किसी को लग रहा है कि उस पैसे के यूज के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा यूज हो पाएगा या मिसयूज हो पाएगा, मिसयूज के चांसेस ज्यादा है। सोलंकी जी बोल रहे हैं, सुरेश, मिसयूज के ज्यादा है, जितेंद्र, विनोद, सुनील कुमार, मिसयूज के ज्यादा है। और जब मिसयूज के यदि ज्यादा चांसेस हैं, तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल फादर वो आपको यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, नो बोलेंगे। इसका मतलब यस बोलने से पहले, आपको मनी ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछेंगे, भैया तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन है, कोई प्लान है तुम्हारे पास में 100 करोड़ का, क्या करोगे, वो ये तो पूछेंगे ना आपसे। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू शो द प्लान कि आप 100 करोड़ का करोगे क्या, एक जिम्मेदार पिता 100 रुपए के लिए भी पूछता है किस लिए चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो देना नहीं चाहता। चाहे 100 करोड़ की बात हो या 100 रुपीज की बात हो, एक जिम्मेदार पिता वहां पर भी पूछता है किस लिए चाहिए अपने बच्चे से। और यदि उसके पास में कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई वैलिड प्लान नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं देंगे या देंगे। आप एज ए फादर यदि आप ही हैं, तो क्या आप देंगे, एज ए पेरेंट, फादर और मदर, नहीं देंगे, नहीं देंगे ना आप भी। और आपको भी नहीं मिला, आप एज ए चाइल्ड अपने पेरेंट्स से मांग रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो चलो उनसे तो शिकायत आप नहीं करेंगे, उनकी तो अलग कंडीशन थे, आप पूरी नहीं कर पाए। आपके पिता के पास तो 1000 करोड़ पड़े हैं, उनको 100 करोड़ देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, आपको नहीं दिया। तो अब आप इस बात के लिए, उन्होंने पूछा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और आपका जवाब है बस ऐसे ही चाहिए, आराम करूंगा, खुशी के लिए चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, आपके पास में कोई वैलिड आंसर नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, नो सॉरी। अब ये आपकी नाराजगी, उनकी ना की वजह से कितनी अपने आप में वैलिड है, सॉलिड है, जेन्युइन है। अब आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए यदि वो आपको दे भी दें, तभी भी पैसे का मिसयूज ही होने वाला, यूज होने वाला नहीं है। पिता आ सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ विकार होते हैं, मोह में आ सकता है, लोभ में आ सकता है, बेटा नाराज ना हो जाए, घर छोड़ के ना चला जाए, जैसे आजकल कई बार धमकी दे देते हैं, अकेला ही बेटा है, वो दे सकता है।
ये ह्यूमन बीइंग तो कर सकता है, ह्यूमन बीइंग के एरर है, लेकिन यदि हम इस तरह की डिमांड यूनिवर्स से करते हैं, जो यूनिवर्स अपने आप में सुप्रीम या परफेक्ट इंटेलिजेंस है, तो क्या वो इस तरह से प्रभावित होगा? उस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप घर छोड़ के जाएं, आप आत्महत्या कर लें, ना करें, क्या करें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यूनिवर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपकी धमकियों में आने वाला नहीं है। उसकी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, घर में कर सकते हो। आप बैंक की भी नहीं कर पाए, बैंक को भी सॉलिड चाहिए, प्लान चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। कहाँ से आप इसको क्रिएट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप इसमें से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किस तरह से आप इसको रिपे करेंगे, आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। इट मीन्स यूनिवर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जब तक आपके पास में कोई जेन्युइन वैलिड रीजन नहीं है, तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप मांगना चाहते हो। फिर क्या होगा? फिर आपको आपके हाल पर छोड़ा जाएगा, ताकि आपको रियलाइजेशन हो जाए और आप अपनी डिमांड को जस्टिफाई कर सको नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, तो आप अपने हाल पर छोड़ दिए जाओगे। यदि यूनिवर्स हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें यहाँ पे शिकायत करनी चाहिए यूनिवर्स से या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यदि यस, तो आप लिखो कि हाँ, यूनिवर्स से शिकायत करनी चाहिए। हम तो सुबह से हम तो मंदिर जा रहे हैं, इतना तो प्रसाद चढ़ा दिया, इतने फूल चढ़ा दिए, इतना मेवे मिष्ठान चढ़ा दिया, इतने भंडारे कर दिए, और वैलिड कोई प्लान आपके पास है नहीं। तो आपकी शिकायत यदि आप करेंगे, तो इस शिकायत से कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यूनिवर्स भी कई बार, जैसे एक पिता आ जाता है ना चक्कर में अपने बेटे के, या पेरेंट्स आ जाते हैं, चलो कोई नहीं, देते हैं इसको, चलिएगा, देखते हैं क्या करेगा, देखते हैं, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे शिव और पार्वती, शिव तो बहुत अपने आप में मैच्योर है, उनको तो पता है क्या होने वाला। जब पार्वती साथ चलती, तो किसी को भी देखते थे कि इसकी हालत अच्छी नहीं है, खराब नहीं है, आप इसको ऐसा कर दो, सही कर दो, अमीर कर दो। वो बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, जिसकी जैसी स्थिति है वो सही है, कुछ होने वाला नहीं है। पार्वती नहीं बोलती, नहीं तुम कर दो प्लीज, वो जल्दी बोलती थी। वो इधर से घूमने जाते थे, पार्वती के कहने पे शंकर भगवान कर देते, जब लौट कर आते थे तो उसी दुर्दशा में मिलता था कि मैंने तुझे कहा था कोई भी फायदा नहीं है, ये जैसा था अब हम लौट करके आए फिर वैसा ही मिला। यूनिवर्स भी कई बार ऐसा कर देता है। इस दुनिया में हर इंसान के पास में एक बार उसकी मेहनत से ज्यादा, या एक बार उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा उसके पास जरूर आता है। आपके भी अपने अनुभव होंगे, जब आपको उम्मीद नहीं थी, अचानक कहीं से ज्यादा पैसा आ गया। जब आपको उम्मीद नहीं थी, अचानक आपको वो रिजल्ट मिल गए, जिनको आपको उम्मीद नहीं थी इतने रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको मिल गए। इसी तरह से कुछ लोगों के पास में इसी तरह से पैसा भी आता है, अचानक पैसा आएगा, आया, जैसे वो आया और ऐसे वो वापस घूम जाएगा कुछ दिन के बाद। इट मीन्स अचानक आपको दे तो दिया, आपके पास ना कोई प्लान है, ना आपके पास कोई मैच्योरिटी है, ना आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग है। आप यहां हैं, आपका बैंक बैलेंस भी यही होगा, और अचानक आपका बैंक बैलेंस तो यहां पहुंच गया, और आप तो यहीं पर है ना, यहीं पर नीचे, और बैंक बैलेंस यहां पहुंच जाएगा, तो इस बैंक बैलेंस को संभालने के लिए आपका भी लेवल यहां से यहां आना जरूरी है। और यदि दोनों लेवल मैच नहीं करेंगे, यदि दोनों लेवल मैच नहीं करेंगे, तो वहीं पहुंचने वाले हैं जहां थे। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितना पैसा है, यदि सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ सालों के बाद में फिर ऐसे ही हो जाएंगे जैसे लोग आज हैं। यूनिवर्स भी चाहता है, कई बार वो कोशिश भी करता है, कई बार लोगों को इस तरह से दिया भी जाता है, लेकिन लोग वहीं पहुंच जाते हैं। कभी कभी सुन भी लेता है। यूनिवर्स भी दयालु है, परमात्मा के अंदर भी दया तो है। पार्वती जी करा देती हैं कई बार कि नहीं चलो देख लेते हैं। तो आज हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, इस लेवल से ऊपर उठना चाहते हो, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, डू यू हैव एनी वैलिड प्लान, कोई है आपके पास में प्लान, या जस्ट लाइक दैट, जस्ट फॉर फन,
से समझ ले, किसी भी चैलेंज से ऊपर उठने के लिए यूनिवर्स की यदि सपोर्ट चाहिए या आम इंसान की भी चाहिए, तो हमारे पास में कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। यदि आज आपके पास में, चाहे रिसेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वैलिड प्लान है, एक प्लान वैलिड है, जेन्युइन है, कि हाँ यदि ऐसा किया जाए तो रिटर्न्स आएंगे, पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यू नीड अ वैलिड प्लान जो प्रूव करता है कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली रिटर्न्स तो आएंगे, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होगी। और यदि नहीं है तो बहुत चांसेस हैं पिताजी भी मना कर देंगे। तो आपके पास में कोई वैलिड प्लान है, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रोंग होना चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहते हैं, फिजिकली फिट होना चाहते हैं, और लाइफ के चैलेंजेस से ऊपर उठना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन क्यों क्यों निकलना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? करेंगे क्या आप? एक आंसर है यहाँ पर, लिखिएगा, टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। लिखें आंसर, लिखें टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। मैं अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूं। टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। आपसे सवाल पूछा गया, आपने जवाब दिया, मैं अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूं। यस, जब आप ये जवाब देंगे, आपसे पूछा, यूनिवर्स ने पूछा, जिससे आप मांग रहे हो उसने पूछा, भैया आप क्यों बेहतर होना चाहते हैं, क्यों ठीक होना चाहते हैं, क्यों ऊपर उठना चाहते हैं, क्यों आपको पैसा चाहिए, क्या करना चाहते हैं, तो आपने आंसर दिया टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। तो अब आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं या नहीं है? यस या नो लिखें, यदि है तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। या यस 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 करेक्ट। ध्यान से समझ लें, आप यस बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आंसर में आपको सपोर्ट की, आपने उसे ओके कर दिया, टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। कभी भी जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अबंडेंस को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिंदगी जी पाएंगे उसमें तो कोई कोई समस्या नहीं है। रोटी कपड़ा मकान मोबाइल तो मिलेगा, लेकिन इंटरनेट के प्लान के जब पैसे बढ़ेंगे तो तुम्हें टेंशन होगी, पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे तो टेंशन होगी, सिलेंडर के पैसे बढ़ेंगे तो टेंशन होगी, बिजली का रेट बढ़ेगा तो तुम्हें टेंशन होगी। फिर स्नान करके फिर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फिर आपकी मन्नतें मान ली जाएंगी, फिर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हैं? टू मेक माई वर्ल्ड बेटर। 1% लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं, यदि उनसे ये सवाल पूछा जाए तो इसी को थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। अब दूसरा जवाब भी लिख लीजिएगा, शायद वो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा। लिखिएगा दूसरा जवाब, टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। अनदर आंसर, टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर, काफी सारे शब्द कॉमन है, दोनों सेंटेंसेस को ऊपर नीचे लिख लो, टू मेक माई वर्ल्ड बेटर, टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर। दूसरे सेंटेंस में क्या चीज हट जाती है? क्या हट जाती है? माई हट जाता है, माई हट जाता है। लेकिन माई तो हट ही गया सर, तो फिर हमें क्या फायदा होगा? इसी पर हमें काम करना है, यदि ऐसे सवाल दिमाग में चलते हैं तो। यही शिफ्ट हमें लानी है, यही परिवर्तन हमें करना है। और जिस दिन ये शिफ्ट हमारे अंदर आ जाएगी, जिस दिन ये परिवर्तन हमारे अंदर आ जाएगा, जिस दिन ये सोच हमारी बदल जाएगी, जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, पकड़ जाएंगे,
उस दिन आप नहीं, आपके अंदर से यूनिवर्स काम करेगा, परमात्मा काम करेगा, वही शक्ति काम करेगी आपके अंदर से। अब आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, अब वो आपके अंदर होगा, वो आपके साथ होगा, वो आपके आगे होगा, वो आपके पीछे होगा।